हेलो गाइस, मैं सेल्फ योगेंद्र शर्मा, फिर से आपका अपने चैनल आपके अपने चैनल आपका अपना फेयर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको हैबिचुअल एक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। हैबिचुअल एक्शन के बारे में, जो कि जिनको हम स्वाभाविक कार्य बोलते हैं, आदत वाले कार्य बोलते हैं, इनको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इतने शॉर्ट में और इतने प्रभावशाली तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ये शर्त है, यदि इस शर्त को आपने फॉलो किया तो हैबिचुअल एक्शन चुटकियों में है, और नहीं किया तो फिर तो आप जानते ही, मैं आगे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं? स्वाभाविक कार्य। स्वाभाविक कार्य वे होते हैं जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि कुत्ता भौंकता है, और यदि ये हैबिचुअल में बोला जाए तो कुत्ता भौंका करता है। जैसे मैं खेलता था, हैबिचुअल में बोला जाए तो मैं खेला करता था। तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हैबिचुअल वर्क के बारे में होता है। तो अब सबसे पहले हम किसको बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ये नाराज है, आज चल नहीं रहा है, चल जाएगा। प्रेजेंट, अबे चल भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ, इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, इसमें यदि देखिए, एक बात का ध्यान रखना होता है कि यदि हमें किसी कॉमन नाउन का कोई भी हैबिचुअल एक्शन, हैबिट एक्सपोज करनी हो, किसी भी कॉमन नाउन की हैबिट एक्सपोज करनी हो, हैबिट के बारे में बताना हो, तो क्या करते हैं कि इस कॉमन नाउन, हाँ, से पहले आए हुए दी को हटा देते हैं। कॉमन नाउन से पहले जो दी आता है उसको हटा देते हैं हम। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, हाँ, कुत्ते भौंका करते हैं। यदि कुत्ते भौंकते हैं आ जाए तो बहुत सीधी सी बात है, द डॉग्स बार्क। इधर मैं चलो इसको भी लिखता हूं, कुत्ते भौंकते हैं। दोनों में अंतर है, हाँ, ये तो हैबिचुअल है और ये हैबिचुअल नहीं है, तो इसका बनेगा द डॉग्स बार्क। ये हो गया यदि हमने ट्रांसलेट की। और इसको यदि बनाएंगे तो, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले आए हुए इस दी को हटा देंगे और क्या रह जाएगा? डॉग्स बार्क। समझ गए ना आप? दूसरा, इसमें जो दूसरा रूल होता है वो क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, यदि सब्जेक्ट हमारा प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन का हम हैबिचुअल एक्शन बताने जा रहे हैं और बताते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उस प्रॉपर नाउन के साथ एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इज एकस्टम्ड टू, इसका यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दूंगा आपको, सब्जेक्ट प्लस इज एकस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर थिंग्स, ठीक है। जैसे मोहन प्रतिदिन दिन में सोया करता है। एक तो मोहन दिन में सोता है, हैं? एक मोहन दिन में सोया करता है, तो क्या है ये? उसकी हैबिट हो गई। हैबिट हो गई तो उसके साथ कौन से स्पेशल वर्ड्स होंगे, लगेंगे, क्या बन जाएगा? मोहन इज एकस्टम्ड टू स्लीप इन डे, और प्रतिदिन एवरी डे, ठीक है। तो ये तो ही हमारी
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हैबिचुअल एक्शन है उसके बारे में। अब आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट का जो हम बताते हैं हैबिचुअल एक्शन, उसमें क्या करते हैं हम। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, कि यदि ये नेगेटिव हो जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि किसी भी, कोई भी नाउन है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसकी हेल्प, उसको हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम हमेशा वुड, फिर नाराज हो गया, या यूज्ड टू, किसका प्रयोग करते हैं, वुड या यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसी, कोई भी, चाहे वो सिंगुलर नंबर का है, प्लूरल नंबर का है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में वुड या यूज्ड टू में से एक लगाते हैं, फिर वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माता जी कहानियां सुनाया करती थी। हाँ, माता जी कहानियां सुनाया करती थी, तो एक तो सिंपल बड़े आराम से बोल देंगे माता जी कहानी सुनाती थी, तो ये हैबिट नहीं है। लेकिन जब हमने बोल दिया कि माता जी कहानियां सुनाया करती थी, तो ये हैबिट होगी, हैबिचुअल होगी बात। तो इसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मदर। फिर अब इनमें से कोई सा एक यूज कर सकते हैं आप, यूज्ड टू या वुड, कोई सा एक यूज कर लीजिए। उसके बाद में फिर टेल, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मदर यूज टू टेल या मदर वुड टेल, और कहानियां स्टोरीज। ओके, तो एक बार मैं फिर से इसको आई समराइज द होल अगेन। प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमन नाउन होता है, तो उससे पहले जो दी आता है उसको हटा देते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है उसके साथ इज अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते हैं, कब, हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वुड या यूज टू का यूज करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट या उसके बाद में वुड या यूज टू लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो गाइज, मैं समझता हूँ कि ये शॉर्टेस्ट वे आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।